नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। निर्भया केस से मिली लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से निर्भया कांड के एक आरोपी विनय ने तिहाड़ जेल में निर्भया कांड की एक दरिंदा नाम की डायरी लिखी है और उस डायरी के साथ विनय ने बहुत सी पेंटिंग भी बनाई है। उस पेंटिंग में उसने अपने दादाजी की पेंटिंग बनाई है, उसी के साथ उसने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें एक लड़की को दरिंदों के बीच फंसा हुआ दिखाया जा रहा है। इसी के साथ विनय ने उस पेंटिंग के नीचे फांसी के 4-5 फंदे भी बनाए हैं। इससे ये साबित होता है कि विनय ने दरिंदा डायरी में निर्भया कांड के हुए अंजाम को भी बताया है। निर्भया कांड की डायरी में विनय ने निर्भया के साथ हुआ उस खौफनाक भयानक सच को लिखा है और इसी के साथ खुद को निर्दोष भी बताया है। निर्भया ने कहा है, निर्भया कांड के आरोपी विनय ने यह भी कहा है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है। लेकिन दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जानते। इस तरह आप हमारे साथ बने रहिए इस तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए।